स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल केसीएल ट्यूटोरियल पे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है एक अलग लेवल पे और मुझसे जोड़ना चाहते हैं नए प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और केसीएल फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की फिर से, और माइक्रोबायोलॉजी का सेमेस्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर भी 3 जो लगभग ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में लेने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक है इसके बाद जो बहुत ईजी है वो पढ़ाऊंगा नहीं। टॉपिक आज का है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, या इसको माइक्रोबियल एसे भी कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स भी। ये 3-4 नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या एंटीबायोटिक एसे पूछेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे पूछेगा, या माइक्रोबियल एसे पूछेगा। कुल मिला के आपको यही करना है। देखिए आपको इसमें करना क्या होता है दोस्तों, कि इसका टॉपिक का स्टडी का मतलब क्या है। देखिए होता क्या है कि हमको पता है कि हमारे बॉडी में जब भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, या वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटीहेलमिंथीज है, प्रोटोजोआज है, ये जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट, वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, या वो आपका एंटीबायोटिक्स हमारे किसी भी वायरस बैक्टीरिया पर कितना प्रभावी है, कितना काम करेगा, इसी को चेक करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, या एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप इंडिया का मैच चल रहा है, तो मैं देखता हूं कि भैया हम लोगों ने 100 मैच का डेटा लिया, और पिछले 100 मैच के डेटा में हमने देखा कि विराट कोहली के 6000 रन बने हैं, के एल राहुल के 4000 रन है, रोहित शर्मा के 5000 रन है, तो हम ये सीरीज बना सकते हैं कि फर्स्ट पे वो है, सेकंड पे वो है, थर्ड पे वो है। क्यों? क्योंकि वो कितना इफेक्टिव है, कितना किसने स्कोर किया। बिल्कुल सेम काम यही है कि एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को मारना, उनको किल करना। तो किस एंटीबायोटिक ने कितना माइक्रोब्स मारा, कितना किल किया, उसी की कैपेसिटी को चेक करना है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। बाकी डिटेल्स नोट्स आपको सब वेबसाइट पे है ही हमारे, आप वहां से देख सकते हैं kclpharmacy.com पे वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल है। हम कंटेंट की स्टडी कर लेते हैं कि कैसे होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो प्रिंसिपल तो आप समझ गए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज टू डिटेक्ट द असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ एनी एंटीबायोटिक हैव टू किल द माइक्रोब्स इन पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर एरिया। ओके, दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि कितने प्रकार से करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को। दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका है सिलेंडर प्लेट मेथड, या इसे कप प्लेट मेथड भी कहते हैं, इसको ऑब्लिक करके हम कप प्लेट मेथड भी कह सकते हैं। एग्जाम में आपसे सिलेंडर प्लेट मेथड के नाम से भी या कप प्लेट मेथड के नाम से पूछ सकता है। और दूसरा है टर्बिडिटी मेट्री मेथड। तो दोनों मेथड बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हम दोनों मेथड यूज करेंगे, तो मेथड यूज करने से पहले हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीजें हमको चाहिए होती हैं। 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक हमको चाहिए प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, एक कल्चर मीडिया चाहिए जिस मीडिया के अंदर हम ये सारा का सारा टेस्ट करेंगे। दूसरा हमको चाहिए बफर सोल्यूशन, जो हमको उस कल्चर मीडिया को मेंटेन रखने के लिए, उसके पीएच को बैलेंस रखने के लिए। हमको तीसरा चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और चौथा चाहिए टेस्ट सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एमिकासिन, एम्फोटेरेसिन, जेंटामाइसिन। और टेस्ट सोल्यूशन में हम एंटीबैक्टीरियल कल्चर का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, मोनास, स्यूडोमोनास, इन सबका अलग अलग कल्चर यूज करेंगे। तो पहले डाल देते हैं हेडिंग की प्रिपरेशन ऑफ मीडिया कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया में बेसिकली जो इसका जनरल मीडियम होता है, उसमें पेप्टोन 6 ग्राम होता है, याद रखिएगा पेप्टोन 6 ग्राम है। पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन, ये प्रोटीन होता है, ये करीब 4 ग्राम होता है। बीफ एक्सट्रैक्ट करीब 1.5 ग्राम है, 1.5 ग्राम है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट अबाउट 3 ग्राम है, एंड अगार मीडिया अबाउट 13 ग्राम है। और इन सारे कंटेंट को 1000 ml यानी 1 लीटर पानी में डाल के मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम डालते हैं पटिडिस में, पोर करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, ऑटोक्लो में डालकर स्टरलाइज करते हैं, फिर सॉलिडिफाई करते हैं, और फिर उसमें डालते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का काम क्या है आपको पता है, पीएच को बैलेंस करना। कैसे हो सकता है, दो प्रकार के, हाइड्रोजन फैलेट या पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट, ये अलग अलग बफर सोल्यूशन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हो गया। तो मुद्दे की बात करते हैं कि हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने से पहले आपको क्या चाहिए, आपको सोल्यूशन बनाना है। तो सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, आपके पास एक ये कॉन्टिकल फ्लास्क है, इस कॉन्टिकल फ्लास्क में पहले तो ये सारा का सारा मीडिया जो कि बारी बारी से दिया है, इसको आप डालेंगे, फिर आप बफर डालेंगे, ये मीडिया डालेंगे, और 1000 लीटर तक पानी को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के बाद ऊपर आप लगाएंगे कॉटन, और यहां लगाएंगे एल्यूमिनियम फाइल्स, इसको रैप करेंगे और इसको डाल देंगे ऑटोक्लेव में। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, ऑटोक्लेव में आप डाल देते हैं और इसको स्टरलाइज करते हैं।
निकालने के बाद क्या करेंगे, अब आप एक बड़ा सा पेट्री डिश लेंगे और इस पेट्री डिश में इस मीडियम को पोर करेंगे। जब आप पोर करेंगे तो ये यहाँ पूरी तरह से फैल जाएगा। फिर इसको क्या करना है, आपको ड्राई करके छोड़ देना है ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, सॉलिडिफाई मतलब ये जो लिक्विड है, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड है, ये ठोस बन जाएगा। कभी आपने सिंघाड़े का हलवा बनाया, हलवा पहले लपसी की तरह होता है, फिर आप इसको थाली में रखते हैं तो ठोस हो जाता है। ठीक है, तो वो एक सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब हम बारी बारी से दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड। ये मेथड तो भैया बहुत ईजी है। इस मेथड में क्या करना है, देखो सिंपल सी बात समझो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये हमारा जो पेट्री डिश है इसमें पर्टिकुलर एरिया है और चारों तरफ इसमें क्या है, इसमें भैया चारों तरफ क्या है कि एक कल्चर मीडिया है जो कि सॉलिड नेचर का है। अब क्या करिए कि आप अलग अलग एंटीबायोटिक ले लीजिए। देखिए क्या इसको प्रोसीजर कैसा करना होता है। पहले प्रोसीजर में तो आपको 6-7 लाइन यही लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एट द 6 ग्राम डिपोर्ट ढकना पकाना ढकाना लगाना लगाना करके इतना डालिए, फिर एड फलाना 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 एंड एड 100 ml ऑफ वाटर सेंड अंडर द ऑटोक्लेव एंड सॉलिडिफाई पोर इनटू द पेट्री डिश एंड सॉलिडिफाई। ये सब 6-7 स्टेप आपको पहले लेके कॉपी भरनी है। फिर मुद्दे की बात आती है, अब क्या करें, जब सॉलिडिफाई हो गया अब आप अलग अलग एंटीबायोटिक लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 3 एंटीबायोटिक है, स्टैंडर्ड है एमिकासिन, एम्फोटेरिसिन और जिंटामाइसिन। इससे पहले क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल कल्चर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियल कल्चर जिसमें बैक्टीरिया है उसको लेकर के इसमें पोर करेंगे और पोर करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए। जब 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो दोस्तों हम क्या पाएंगे कि चारों तरफ ये जो आपको डॉट डॉट में दिखा रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि जो चारों तरफ है ये बैक्टीरिया फैल चुके हैं, यानी इस कल्चर मीडिया में चारों तरफ खूब सारे बैक्टीरिया हैं जो कि चारों तरफ भरे हुए हैं। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैं आपको डॉटेड डॉटेड पॉइंट से दिखा रहा हूं। ये जो आपको भीड़ भाड़ दिख रही है, ये भीड़ भाड़ बेसिकली बैक्टीरिया की है, क्योंकि 4 घंटे के अंदर सारे बैक्टीरिया पूरे में फैल जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और पूरी संख्या फैला देंगे। अब क्या करिए कि आपको एंटीबायोटिक जिसका ऐसे करना है उसके छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं, क्योंकि प्लेट्स क्या होगा, ये मेटल के प्लेट्स होंगे। इस तरह देखिए, ये छोटे छोटे मेटल के प्लेट्स होंगे। इसका नाम कप प्लेट मेथड इसीलिए है कि इस कप के अंदर प्लेट रखेंगे, छोटे छोटे प्लेट्स जिसमें एंटीबायोटिक को डिप करेंगे, उसमें एंटीबायोटिक रखिए। हमने मान लीजिए कि एक प्लेट यहां रख दिया, ये देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट हमने दोस्तों यहां रख दिया और एक प्लेट हमने कहीं पे यहां रख दिया। अब ध्यान से समझिए, अब ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये अलग अलग एंटीबायोटिक है। एक एंटीबायोटिक मान लो एमिकासिन है, एक एंटीबायोटिक एम्फोटेरिसिन है और एक जिंटामाइसिन है, जिस एंटीबायोटिक की हमको टेस्टिंग करनी है, माइक्रोलिजर ऐसे करना है, पता करना है कि इसकी इफेक्टिव एरिया कितना है। अब जब आप इसको रखेंगे तो क्या करेगा, जैसे ही ये एंटीबायोटिक असर करना शुरू करेगा दोस्तों, अपने आसपास के एरिया में माइक्रोब्स को किल करना शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए अपने आसपास के एरिया में माइक्रोब्स को किल करना शुरू किया, तो इसने इतना पर्टिकुलर एरिया किल किया, इस वाले माइक्रोब्स ने किल करना शुरू किया, तो हमने देखा कि इसने अपने चारों तरफ करीब इतना पर्टिकुलर एरिया साफ कर दिया। और इसको हमने देखा, तो इसको अगर हमने देखा इस तरह से देखा जाए तो इसने पर्टिकुलर मान लो इतना एरिया इसने साफ कर दिया। आप क्या देख रहे हैं कि वो एंटीबायोटिक अपने आसपास के एरिया को क्लीन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने माइक्रोब्स को किल कर दिया। अब जिस एंटीबायोटिक के चारों तरफ जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा, यानी कि उस एंटीबायोटिक का असर उतना ज्यादा है। देखिए सबसे कम असर इसका है, इसके अगल बगल का जो एरिया क्लीन है वो सबसे छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है और इसका सबसे बड़ा है। यानी हम इस जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट कितना है। इससे आसान भाषा में आपको समझाना मुश्किल है, आपको समझ आ गया होगा कि कंप्लीट मेथड में कैसे काम होता है कि एंटीबायोटिक्स को यूज करके उसके चारों ओर पर्टिकुलर क्लियर एरिया बनेगा और उस एरिया को कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी ड्रग का, किसी भी एंटीबायोटिक का इफेक्टिवनेस कितना है, एक्टिविटी कितनी है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड कंप्लीट। अब हम बात करेंगे टर्बिडिटी मेथी मेथड की, तो इस मेथड में भी यहां तक का स्टेप तो सेम है दोस्तों, यहां तक का स्टेप क्या है, सेम है। भैया क्या किया हमने, ये बनाया, कल्चर मीडिया बनाया, बफर डाला, सोल्यूशन बनाया, ये किया वो किया। अब की बात क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद हमने पेट्री डिश में नहीं लेना है। ये जो दूसरा मेथड है टर्बिडिटी मेथी मेथड, इसमें हमको इसमें नहीं लेना है। हमको करना क्या है, हमको दोस्तों अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया,
एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया और एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया। अब जो हमने कल्चर मीडिया बनाया है उससे 9 ml इसमें डालेंगे, 9 ml इसमें डालेंगे और 9 ml इसमें डालेंगे। यानी देखिए ध्यान से बचेगा टर्बिडिटी मेट्री मेथड। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? धुंधलापन। कभी आपने फर्स्ट ईयर में जो किया होगा, आपने टेस्टिंग किया होगा ना, क्या बोलते हैं उसके लिमिट टेस्ट, तो उसमें देखते थे नेजल सिलेंडर लेते थे, ज्यादा क्लियर कौन है, धुंधला कौन है, टर्बिडिटी किसमें है, तो इसका मतलब होता है धुंधलापन। अब इस बार क्या करेंगे, 9 ml आपने तीनों में क्या भर दिया, सोल्यूशन भर दिया, किसका, कल्चर मीडिया का जिसमें बफर ऑलरेडी मिला हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसमें बैक्टीरियल कल्चर डालेंगे, क्या डालेंगे, बैक्टीरियल कल्चर, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें और 1 ml इसमें, यानी तीनों में 1 ml। प्रोसीजर समझिए दोस्तों, तीनों में 1 ml हम क्या डालेंगे, बैक्टीरियल कल्चर। अब जब बैक्टीरियल कल्चर हमने डाला तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया, इसको हमने छोड़ दिया 3-4 घंटे के लिए। अब 3-4 घंटे बाद हम देखेंगे ये पूरा हेजी हो जाएगा। हेजी का मतलब ये पूरा टर्बिडिटी यानी धुंधला हो जाएगा, सफेद सफेद रंग की, मेरे मार्कर तो ब्लैक है लेकिन आप समझिए कि सफेद रंग का पूरा जो गाढ़ा दूध दूध का होता है, दूध को पानी मिला के धुंधला होता है ना, तो उस दूध की तरह ये धुंधला हो जाएगा। अब क्या करिए, आप 3 अलग अलग एंटीबायोटिक 1-1 ml, यानी 1 ml सोल्यूशन इस एंटीबायोटिक का, 1 ml सोल्यूशन दूसरे एंटीबायोटिक का और 1 ml सोल्यूशन तीसरे एंटीबायोटिक का डाल दीजिए। अब जैसे जैसे एंटीबायोटिक अपना असर शुरू करेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया मरना शुरू होंगे, और जैसे जैसे बैक्टीरिया मरना शुरू होगा इसका कलर भी तो क्लियर होना शुरू होगा। ये कलर खराब क्यों हुआ था, ये हेजी क्यों हुआ था, ये टर्मिट क्यों हुआ था, क्योंकि माइक्रोब्स ने बस की संख्या बढ़ गई थी। और जैसे जैसे ये हेजी होगा इसका जो इसमें जो क्लियरिटी है आप देखेंगे धीरे 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 क्लियरिटी बढ़ने लगेगी। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्लियर ये है, उससे कम क्लियर ये है और सबसे कम क्लियर ये है, यानी ये वाला एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला उससे कम और ये वाला उससे भी कम, यानी कितना क्लियर हो गया, टर्मिडिटी हमारी कितनी क्लियर हो गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको ऑब्जर्व करके हम जान सकते हैं दोस्तों कि किसका ज्यादा इफेक्टिवनेस है। जी हाँ, यही है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कि किसी भी एंटीबायोटिक का कितना इफेक्टिवनेस है, कितना रिस्पॉन्स है, उसको चेक करना। और आज हमने दोनों मेथड से जान लिया बारी बारी से, सिलेंडर प्लेट और टर्बिडिटी मेथड से, कि कौन सा मेथड से हम कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको बच्चों की तरह याद हो गया होगा, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बाद का टॉपिक क्या है। तो इसके बाद का टॉपिक दोस्तों एक एरिया है माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन। तो जैसे प्रोसीजर आपने एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, बस वही प्रोसीजर आपको किसके लिए, विटामिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये वाला टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है अपने बुक की सहायता से, कि बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप विटामिन का भी कर सकते हैं। और इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक है एसेप्टिक एरिया कॉन्सेप्ट। एसेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा एरिया जहां पे पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री हो, जिसको स्टरलाइज किया गया हो, जिसको डिसइंफेक्टेड किया गया हो, जहां पे आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जहां पे आपके ऑप्थाल्मिक बनते हैं, यानी जहां पे शेड्यूल सी एंड सी1 बनते हैं, जहां पे टेस्टिंग होती है, जहां पे ऑपरेशंस होते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। तो इसके क्या क्राइटेरिया है, कैसा होना चाहिए, क्या आपका पार्टिकल होने चाहिए, वो सब ऑलरेडी बस एक थ्योरी पोर्शन है, इसको भी आप खुद से पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे एंड से यूनिट 3 माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो गई, 1, 2, 3, 5 ऑलरेडी हम खत्म कर चुके, बस एक यूनिट बची है यूनिट 4, उसको भी पढ़ेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।